नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी सात खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज बात करेंगे हिंदुस्तान की ऐसी उड़ान की जो हिंदुस्तान की बढ़ती स्पेस शक्ति का उद्घोष करेगी, जिसे देखकर चीन पाकिस्तान जैसे देशों को भी ईर्ष्या होगी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख आ गई है, 13 जुलाई को क्या होगा, कैसे होगा ये देखिएगा। इस खबर में ये संदेश भी है कि हार कर जीतने वाले को इसरो कहते हैं। फिल्म 72 हुरे पर सेंसर बोर्ड और फिल्म मेकर्स की लड़ाई और भी तेज हो गई है। ट्रेलर पर सेंसर बोर्ड की कैंची के बाद फिल्म मेकर्स नाराज हैं, वहीं सेंसर बोर्ड की अपनी दलीलें हैं। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों और दलीलों के बीच हम आपको फिल्म के को प्रोड्यूसर अशोक पंडित का विस्फोटक इंटरव्यू दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने ब्रेन वॉश, सुसाइड बॉम्बर समेत तमाम सुलगते सवालों पर बेबाक और सटीक जवाब दिया है। सत्ता में देश के 14 राज्यों में बजे खतरे के सैलाब वाले सायरन पर हमने एक खास रील तैयार की है। कहीं पुल टूटकर पानी में बह गया, कहीं चट्टाने चकनाचूर हो गई, कहीं सैलाब की चपेट में सब कुछ समा गया। सैलाब का ये रौद्र रूप बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है। सत्ता के न्यूज मित्रों को राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का अपडेट भी देंगे। कैसे आज राहुल गांधी की सड़क यात्रा पर संग्राम छिड़ गया, सुरक्षा की वजह से राहुल गांधी के काफिले को मणिपुर के विष्णुपुर में ही रोक दिया गया। इस दौरान जबरदस्त बवाल हुआ, हालांकि यहां से लौटने के बाद राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात भी की और सरकार पर तंज भी किया। आज बिहार दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज किया। लखीसराय में अमित शाह ने कहा कि पलटू बाबू पीएम मोदी की वजह से सीएम बने। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 20 साल से कांग्रेस राहुल बाबा को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। सत्ता के न्यूज मित्रों को विपक्षी नेताओं की मीटिंग वाला अपडेट भी दे दें। विपक्षी दलों की शिमला में होने वाली बैठक की जगह अब बदल गई है। बताया जा रहा है कि यह मीटिंग अब बेंगलुरु में होगी। बैठक का आयोजन 13 और 14 जुलाई को किया जाएगा। विपक्षी दलों के साझा गठबंधन बनाने के लिए पहली संयुक्त बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। ट्विटर इस्तेमाल करने वाले सत्ता के न्यूज मित्रों को एक और खास जानकारी दे देते हैं। ट्विटर ने करेक्टर लिमिट को अब 25,000 कर दिया है। साथ ही यूजर अब करेक्टर के साथ इमेज भी ऐड कर सकेंगे। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। ट्विटर ने बताया कि इन फीचर्स का फायदा सिर्फ ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर को ही मिलेगा।